के पक्ष में आ नहीं सकता ना, दोनों तो मुद्दा दोनों का बराबर बराबर है, पक्ष में आ नहीं सकता। कोर्ट का फैसला को सारे मुस्लिम जितने भी हिंदुस्तान के हैं सारे मुस्लिम मानने को तैयार है। जहाँ हमारा इमामत की जगह है वहाँ मंदिर नहीं बन सकता, वहाँ तो इमामत होगा। ले ले बंटवारा है, कर ले, कोई बात नहीं, तैयार है सब देने को, लेकिन उस जगह का कह रहे अगर कोर्ट वहाँ फैसला देगी तो वहाँ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। लगता है कि कुछ है समूह जो कहीं ना कहीं विवाद की संभावना है। लड़ाई झगड़े वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, उनका तो कोई रोकने का हक ही नहीं बनता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बिल्कुल, झगड़ा तो कोई भी कर सकता है जी, यहाँ ने ऐसा नहीं होगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा, झगड़ा हो जाएगा सकता है, लेकिन आपकी कुछ होगी क्योंकि इतने सालों से आप देख रहे हैं राम जन्मभूमि को लेकर जैसे ही बात उठती है तो बात वहीं पर विवाद शुरू हो जाता है, लेकिन जब फैसला आएगा तब क्या होगा? अब फैसला आएगा तो फिर देखो दोनों पक्ष को ही करना चाहिए फैसला। तो मुसलमान सारे तो कोर्ट को ही मानने को, जो कोर्ट माने। हसीबुल्ला, हसीबुल्ला जी क्या लगता है आपको? जैसे मुसलमानों ने तो कह दिया जो कोर्ट कह देगा उनके हित में है। अच्छा। कोई झगड़ा नहीं करना, मुद्दा खत्म हो जाए तो बढ़िया है, जो बनना है एक बार बन के खत्म हो जाए। हसीबुल्ला जी क्या लगता है आपको, अगर वहाँ पर राम मंदिर बन जाता है तो कोई विवाद नहीं होगा? राम मंदिर, हम तो सारे एक ही देश के बंदे हैं, सब हैं। जब बंटवारा अगर हो रहा है तो सबके हित में हो, कोई नाराज ना हो। अगर वो दोनों के पक्ष में आता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी एक के पक्ष में आया तो क्या लगता है? एक के पक्ष में आ नहीं सकता ना, दोनों तो मुद्दा दोनों का बराबर बराबर है, पक्ष में आ नहीं सकता। कोर्ट का फैसला को सारे मुस्लिम जितने भी हिंदुस्तान के हैं सारे मुस्लिम मानने को तैयार है कि हाँ जो कोर्ट कह देगा। मतलब अगर मंदिर बन जाता है तो भी जो भी मुस्लिम जो भी बाबरी मस्जिद का जो पक्ष ले रहे हैं वो भी मान जाएंगे, आपको ऐसा लगता है? हाँ, मानना पड़ेगा, कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा, मान लेंगे। ठीक है, अभी उन्होंने बताया जैसा कि एक तरफ मंदिर बन जाए जहाँ पर राम जन्मभूमि की बात है, जो एग्जैक्ट जो जगह है वहाँ पे मंदिर बना दिया जाए और उसके पास में आप मस्जिद बना ले, क्या लगता है ये पॉसिबल है? जहाँ हमारा इमामत की जगह है वहाँ मंदिर नहीं बन सकता, वहाँ तो इमामत होगा, बगल जगह ले ले, साइड ले ले, हो सकता। तो उसी भूमि पर विवाद है, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर इमामत बनेगा और हिंदू जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर राम जन्मभूमि है तो मंदिर बनेगा, विवाद तो इसी बात तो का है। राम जन्मभूमि है, ले ले बंटवारा है, कर ले, कोई बात नहीं, तैयार है सब देने को, लेकिन उस जगह का कह रहे अगर कोर्ट वहाँ फैसला देगी तो वहाँ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर जहाँ पर आप इमामत की जमीन कह रहे हैं वहाँ पर अगर मंदिर की बात बन जाती है तो फिर क्या लगता है आपको? मंदिर के बाद कोर्ट को मान लेंगे, हम कोर्ट को आप मान लेंगे, आपको लगता है कोई विवाद नहीं होगा? मान लेंगे, कोर्ट को मान लेंगे। और जो पार्टी जो मंदिर और मस्जिद विवाद को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति में आई है वो राजनीति करते हैं। सुनो, जो चला रहा देश चलाए ऊपर रब है, रब है ना, सबका रब है, उनके हाथ में भी है, दुआ हो रही, क्या नाम कहते, पूजा हो रहा, हमन हो रहा, सब कुछ हो रहा, जो रब चाहेगा वो होगा बस। बिल्कुल हबीबुल्ला जी, आपने बहुत ही अच्छा पैगाम दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।